चिश्तियां थाना मोड़ डारावाला के करीब ट्रेलर ने एक शख्स को कुचल दिया। 137 मुराद का रिहायशी तारक मौका पर जा भाग। रेस्क्यू टीमें मौका पर ना पहुंची, लोगों का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। लाश एक घंटा सड़क पर बेयारो मददगार पड़ी रही। लाश को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेज ना पहुंच सकी। लाश रेड़ी रिक्शा पर ले जाने लगी पड़ी। लोगों का इंतजामिया की बेहिसी पर इजहार अफसोस। अगर किसी गरीब की भरे बाजार में हादसाती मौत हो जाए तो एम्बुलेंसेज भी दस्तियाब नहीं होती। जट फेडरेशन बुरेवाला ने जट कन्वोकेशन की तकरीब का इनाकाद किया। मजीद जानते हैं बुरेवाला से शब्बीर फरीदी से। जी शब्बीर, बुरेवाला फेडरेशन बुरेवाला ने जट कन्वेंशन की तकरीब का इनकार किया, जिसमें मरकजी सदर अरफान भंडर और चौधरी गुलाम नबी वैंस, सदर पंजाब अबाबील जट फेडरेशन गुजरांवाला के मरकजी रहनुमा जनाब अकरम सुल्तानी और असलम ढिल्लू, चिचावतनी ने नईम बाबर तारड, चौधरी अमीन बोबक ने शिरकत की। अहल हजन बुरेवाला जट बरादरान ने मिलकर जट फेडरेशन को मजीद मजबूत करने का इजहार किया। साबिक नाजम चौधरी आसमान वड़ाच ने कहा है कि जब फेडरेशन गरीब आवाम के साथ शाना बिशाना खड़ी है और हम अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। जब कन्वेंशन के मेज़बान चौधरी आसमान वड़ाच, चौधरी इबरार जट और मियाँ जाहद इब्राहिम सिद्धू ने सब आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शबीर फरीदी, सतलुज न्यूज़, बुरेवाला। असिस्टेंट कमिश्नर जोहरा दस्तगीर, तहसील कोट राधा किशन का राजी। रिकॉर्ड सेंटर का अचानक दौरा, जहां पर उन्होंने सेंटर के इंचार्ज से कहा कि आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात और उनकी शिकायत का अजाला किया जाए। समड़ियाल ख्वाजा अली शेर ने एक मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सियालकोट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। गुजरात में यूनिवर्सिटी बनने के 5 साल बाद हमें बताया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी सियालकोट में बनी थी, मगर गुजरात के चौधरी इसे अपने शहर ले गए। हेड मराला रोड पर पसरूर रोड मंजूर होने के 3 साल बाद हमें बताया जाता है कि इन रोडों के फंड कोई जनूबी पंजाब ले गया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि गुजरात डिवीजन बनने के 4 साल बाद हमें कोई सियासी मुसखरा बता देगा कि असल में डिवीजन सियालकोट में बनना था, मगर वह चौधरी गुजरात को डिवीजन बनवाएंगे। ऐसा अगर ऐसा कोई मामला पेश नजर आया तो इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। रायवंड जियाबगा डिवीजन में कल रात आने वाली तूफानी बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पोल गिरने और तार टूटने के मुख्तलिफ वाकियात रोनुमा हुए। दूसरी जानिब लाहौर रोड पर दरख्त गिरने की वजह से तार टूटने की वजह से बिजली का निज़ाम धरम बरम होकर रह गया। रायवंड में बिजली के निज़ाम को बहाल करवाने में SDO जियाबगा और XCN रायवंड मौका पर मौजूद, अपनी जेर निगरानी में काम करवाने में मसरूफ। इस मौका पर अवामी खिदमत यूथ ग्रुप के चेयरमैन सज्जाद लियाकत मुन्ना प्रिंस भी मौजूद थे। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www